नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक्सपो कार चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं एमजी के सबसे महंगी गाड़ी जो कि है ग्लोस्टर, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं एमजी ग्लोस्टर का, सबसे टॉप एंड वेरिएंट आज देखने वाले हैं। ये जो कार है ना, ये फॉर्च्यूनर से डायरेक्ट कंपटीशन करती है, और यहाँ पे जो फॉर्च्यूनर से अगर इसका डायरेक्ट कंपटीशन करे फीचर वाइज, लुक वाइज, डायमेंशन वाइज, और यहाँ पे की प्राइस वाइज भी अगर आप देखेंगे ना, तो फॉर्च्यूनर को काफ़ी हद तक ये पीछे छोड़ देता है। बहुत बढ़िया और अमेजिंग फीचर्स के साथ यहाँ पे ये गाड़ी मिल जाती है। मैं आपको इसका सीधा एक कंपटीशन इसका डायमेंशन से पहले बता देता हूँ। इससे अगर आप फॉर्च्यूनर से कंपेयर करेंगे तो इसकी जो लंबाई में 190 mm लंबी ये ज़्यादा गाड़ी मिल जाती है फॉर्च्यूनर से, और चौड़ाई है 71 mm जो है चौड़ाई इसकी ज़्यादा है फॉर्च्यूनर से, और 32 mm इसकी जो ऊँचाई है फॉर्च्यूनर से ज़्यादा है इसमें। तो यहाँ पे डायमेंशन को पीछे छोड़ देता है, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्च्यूनर को, और उसके अलावा जो है प्राइस भी इसका फॉर्च्यूनर से कम है। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया इस फीचर्स के साथ ये लग्जरी गाड़ी आपको मिल जाती है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स आपको दिए जा रहे हैं, प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सा वेरियंट है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसके वेरिएंट से। इसमें जो है तीन वेरिएंट आते हैं, एक सुपर जो कि बेस मॉडल होता है, उसके बाद शार्प मॉडल आता है जो कि मिडिल वेरिएंट है, और इससे ऊपर जो आता है सेवी मॉडल, मतलब तीन मॉडल आता है इसमें। तो सुपर, शार्प, सेवी। तो ये जो मॉडल आप देख रहे हैं टॉप मॉडल यानी सेवी मॉडल देख रहे हैं 4x4 में ऑटोमेटिक डीजल में आप देख रहे हैं। ये जो मॉडल 6 सीटर और 7 सीटर दोनों में आता है, और ये सामने जो खड़ा है ये 6 सीटर वेरिएंट खड़ा है, जिसका एक्सशोरूम कीमत है वो 43,15,800 इसका एक्सशोरूम कीमत है अभी। और ऑन रोड के लिए मैंने कॉन्टेक्ट डिटेल दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप कॉल करके चेकआउट कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि एमजी की गाड़ियां जो है टैक लोडेड गाड़ियां है, मतलब इसमें फीचर दबा के आपको यहां पे मिलते हैं, जैसा कि इसमें जो है एडास वगैरह सारे फीचर्स आते हैं। एडास की बात करेंगे तो यहां पे ऑटोनोमस लेवल 1 एडास फीचर के साथ ये गाड़ी मिलती है, और यहां पे इसका ग्रिल देखिए, ग्रिल बहुत शानदार यहां पे मिल जाता है। यहाँ पे सिल्वर और क्रोम दोनों का यहाँ पे एलिमेंट का यूज़ किया गया है। एमजी का यहाँ पे लोगो, 360 डिग्री कैमरा आता है, उसका फ्रंट कैमरा दोस्तों यहाँ पे है, देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया और एक अट्रैक्टिव और बोल्ड लुक के साथ ये ग्रिल आपको यहाँ पे मिलता है। फ्रंट में यहाँ पे देखेंगे तो नीचे की तरफ सेंसर्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, सेंसर यहाँ पे 4 सेंसर तो सामने मिलते ही मिलते हैं, देख सकते हैं 1, 2 और 3 इधर, और 1, 4 यहाँ पे मिल जाते हैं। बट यहाँ पे जो है साइड में भी सेंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं 2 एक्स्ट्रा, वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसके जो है फॉग लैम्प की बात करेंगे ना, तो फॉग लैम्प अगर आप देखेंगे तो हैलोजन बेस्ड यहाँ पे फॉग लैम्प मिलता है, साइड में सिल्वर फिनिशिंग के साथ यहाँ पे सी शेप में यहाँ पे मिलता है, देख सकते हैं। एयर कर्टन यहाँ पे मिल जाता है कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल रहा है, और ऊपर जो है इसके हेडलैम्प यूनिट्स देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन और बोल्ड लुक के साथ यहाँ पे मिलता है। हेडलैम्प के ऊपर जो है DRLs मिल जाता है जो कि ड्यूअल फंक्शन में है, यही DRLs जो है इंडिकेटर का काम भी करता है, और ड्यूअल बैरल में यहाँ पे जो प्रोजेक्टर हेडलाइट में LED बीम के साथ यहाँ पे हेडलाइट्स मिल जाती है। तो ये था हेडलाइट्स के बारे में। और यहाँ पे इसका बोनट देखेंगे तो बोनट में जो क्रीजेस है वो सिंपल टाइप के यहाँ पे मिलता है, काफ़ी बड़ा बोनट यहाँ पे मिलता है। लेवल 1 एडास का जो कैमरा है वहाँ पे मिल जाता है, देख सकते हैं फ्रंट में, और इस तरह से यहाँ पे कार का फ्रंट डिज़ाइन आपको मिलता है। सामने से कुछ इस तरीके से था गाड़ी, और अब आपको गाड़ी का जो है साइड प्रोफाइल दिखाते हैं। साइड से अगर आप देखेंगे गाड़ी को तो बहुत लंबी चौड़ी ऊंची गाड़ी यहाँ पे मिल जाता है। डायमेंशन की बात करेंगे अभी तो यहाँ पे जो गाड़ी का जो है ओवरऑल लेंथ की बात करेंगे तो 3985 mm गाड़ी की जो है ओवरऑल लेंथ मिल जाता है, जो फॉर्च्यूनर से लगभग 190 mm लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है। और यहाँ पर जो है कार की चौड़ाई है वो 1926 mm है, और कार की जो ऊँचाई है वो 1867 mm यहाँ पर मिलता है। साथ ही साथ इसका व्हील बेस की बात करें तो 2950 mm का व्हील बेस यहाँ पर मिलता है, जो अगेन फॉर्च्यूनर से 205 mm यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। तो ज़्यादा व्हील बेस होने से अच्छा आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी मिल जाता है। अब रही बात इसके अलॉयज की, तो अलॉयज यहाँ पे काफ़ी शानदार डिज़ाइन के साथ 6 नट के साथ यहाँ पे मिल रहा है, देख सकते हैं। और जो प्रोफाइल है वो 255/55R19 का यहाँ पे अलॉय व्हील के साथ यहाँ पे टायर मिलता है, और यहाँ पे जो है साइड सेंसर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है, और वीर आर्क जो है वो भी काफ़ी यहाँ पे पतला सा यहाँ पे मिलता है। यहाँ सिल्वर फिनिशिंग मिलता है, और ये BRIT डायनेमिक की बैजिंग यहाँ पे मिलता है,
ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे ORVM, तो ORVM यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, फोल्डेबल, हीटिंग सारे फीचर्स के साथ यहाँ पे आता है। साथ ही साथ 360 डिग्री का जो कैमरा है वो भी इसमें मिलता है साइड में, और इसमें पेडल लैंप्स आता है जो कि MG का लोगो प्रोजेक्ट यहाँ पे करता है। ये था ORVM, और यहाँ पे जो है विंडो बीडिंग यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग के साथ यहाँ पे मिलता है, कुछ इस तरीके से है। क्रोम में डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। ये रहा इसका फुटरेस्ट जो कि चढ़ने में आपको मदद कर सकती है, और यहाँ पे जो है रियर डोर हैंडल्स हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये था कार का साइड प्रोफाइल, और साइड से रियर से यहाँ पे कुछ इस तरीके से कार का लुक आता है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में सनरूफ भी आता है, जो कि फॉर्च्यूनर में वो चीज़ मिसिंग होती है, लेकिन ये जो सनरूफ है आपको हल्का सा छोटा यहाँ पे मिलता है, ज़्यादा बड़ा यहाँ पे सनरूफ इस गाड़ी में नहीं मिलता है। अब यहाँ पे देखेंगे फ्यूल टैंक, तो यहाँ पे फ्यूल टैंक भी बहुत बढ़िया मिल जाता है। कितना भाई, 75 लीटर, 75 लीटर के यहाँ पे डीजल टैंक मिल जाता है। बाकी डेफ भी यूज़ होता है, यूरिया जिसको बोलते हैं डीजल गाड़ी के साथ, अब ये भी यूज़ होता है। और यहाँ पे भी साइड सेंसर यहाँ पे मिलता है, देख सकते हैं। और चारों व्हील्स में यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिलता है, आपको बताना भूल गया था, ऑल डिस्क ब्रेक इसमें ऑप्शन मिलता है। बाकी अब आपको कार का रियर प्रोफाइल दिखाते हैं, तो रियर से अगर आप देखेंगे ना, काफ़ी ज़बरदस्त बोल्ड लुक के साथ यहाँ पे कार का रियर प्रोफाइल यहाँ पे मिलता है। बात करेंगे टेल लाइट्स की, तो यहाँ पे टेल लाइट्स भी बहुत शानदार यहाँ पे मिल रहा है, देख सकते हैं। LED में टर्न इंडिकेटर और LED में ही ब्रेक लाइट्स यहाँ पे मिलता है, और रिवर्स लैंप के साथ यहाँ पे मिल जाता है। फोर व्हील ड्राइव है, एडास फीचर के साथ यहाँ पे बैजिंग की गई है, रिफ्लेक्टर हो गया यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। रियर में देखेंगे तो यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग के साथ यहाँ पे स्किड प्लेट यहाँ मिल जाती है। बाकी जो है MG का बड़ा सा लोगो, क्रोम लाइनिंग यहाँ पे भी यूज़ की गई है, देख सकते हैं। और बाकी इस साइड में अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे वाइपर मिल जाता है, डिफोगर लाइन से है। ऊपर जो है हाई माउंट स्टॉप लैंप है, और सबसे ऊपर जो है यहाँ पे, अरे इसमें एंटीना तो आता ही नहीं है, तो इसमें एंटीना ऊपर नहीं दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो इंटरनेट इनसाइड का बैजिंग यहाँ पे की गई है, देख सकते हैं। और बाकी रियर कैमरा हो गया, और यहाँ पे जो है स्किड प्लेट की बात कर दी है, और यहाँ पे जो है चार आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ट्विन एग्जॉस्ट है, क्योंकि इसमें ट्विन डीजल इंजन आता है जो कि पावरफुल इंजन है। इसके अलावा जो है रिफ्लेक्टर बीच में भी यूज़ किया गया है, और स्टेपनी देखेंगे तो नीचे यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। और यहाँ पे जो साइज़ मिलता है, सेम साइज़ का अलॉय व्हील मिल जाता है, यानी 255/55R19 का ही अलॉय इसमें मिल जाता है, सेम, कोई स्टील रिम वगैरह इसमें नहीं आता, तो ये एक प्लस पॉइंट इसमें मिल जाता है। बाकी इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना साइड प्रोफाइल, इस साइड से काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे लगता है, देख सकते हैं ब्लैक कलर में काफ़ी खूबसूरत गाड़ी यहाँ पे लग रही है। अब चलेंगे अंदर की तरफ, तो अंदर जाने से पहले कार की कीज़ देख लीजिए। कीज़ कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है, एकदम सिंपल की यहाँ पे दिया जा रहा है MG की तरफ से। तो यहाँ पे MG का यहाँ पे लोगो, साइड में क्रोम, और लॉक अनलॉक और बूट रिलीज करने वाला बटन के साथ यहाँ पे ये मिलता है। और इस प्रकार से यहाँ पे दो कीज़ ऐसा मिल जाता है। अब चलते हैं अंदर, तो यहाँ पे डोर को ओपन कर लेते हैं, देख सकते हैं रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ मिल जाता है। तो ओपन करेंगे तो इंटीरियर अगर आप देखेंगे ना, प्रीमियमनेस कहीं पे भी यहाँ पे मिस नहीं हुआ है, हर जगह पे यहाँ पे प्रीमियमनेस होने के लिए यहाँ पे हर एक जगह पे लेदर फिनिशिंग के साथ यहाँ पे मिल जाता है, पूरा का पूरा यहाँ पे सॉफ्ट टच के साथ यहाँ पे डोर यहाँ पे मिल जाता है, स्टिचिंग यहाँ पे की गई है, देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है ब्राउन कलर का यहाँ पे लेदर फिनिशिंग मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया सॉफ्ट टच के साथ है। सिल्वर फिनिशिंग यहाँ पे अलग टेक्चर है, बाकी देख सकते हैं डोर लीवर कुछ इस तरीके से है। ऑल पावर विंडो यहाँ पे मिलता है, स्पीकर ग्रिल्स हो गया इस तरफ, और यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो बॉटल होल्डर, न्यूज़पेपर होल्डर सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। फ्यूल लूड यहाँ से ओपन करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं बटन कुछ इस तरीके से। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे इसका डोर देखने के लिए मिल रहा है, फिट फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। तो अब बात करते हैं कार के सीट्स की, तो यहाँ पे सीट की जो है क्वालिटी देखेंगे ना, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मिलता है भाई। प्रीमियमनेस का यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं तो इस सीट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ढेर सारे यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं, देख सकते हैं। ये मेमोरी सीट, यहाँ पे सीट में मसाजर भी आता है, और ये जो एडजस्टेबल है ना, ये 12-way एडजस्टेबल पावर सीट यहाँ पे मिलता है। लुम्बार सपोर्ट भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, क्या क्या इसमें नहीं कर सकते हो, सारी चीज़ इसमें कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे सीट यहाँ पे मिलता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, देख सकते हैं, ऑल एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ आता है, और कुशनिंग काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन है, वेंटिलेटेड सीट के साथ यहाँ पे मिल जाता है। और इस साइड में देखेंगे तो मिरर को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, फोल्डेबल, दोनों यहीं से हो जाता है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हेडलैम्प लेवल करने वाला बटन यहाँ पे मिल जाता है।
अब एक बार अंदर बैठ जाते हैं, फिर एक एक करके आपको यहाँ के सारे फीचर्स आपको दिखाते हैं। तो मैं बैठ चुका हूँ अंदर, देख सकते हैं। अंदर बैठते ही आपको फील होगा कि आप किसी बड़ी गाड़ी में अंदर बैठे हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त फील होता है। स्टीयरिंग देखेंगे तो स्टीयरिंग यहाँ पे डीकट के साथ आता है, लेदर रैप्ड है, देख सकते हैं पूरा प्रॉपर लेदर रैपिंग है, और यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग है। म्यूज़िक के कंट्रोल्स यहाँ पे, क्रूज कंट्रोल जो कि सेट रीसेट करने के लिए है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है। इधर म्यूज़िक के कंट्रोल्स मिल जाता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन का भी सारे बटन्स उस साइड में दिया गया है। पैडल शिफ्टर यहाँ पे मिल जाता है, देख सकते हो ऑटोमेटिक गाड़ी है, पैडल शिफ्टर आता है। तो यहाँ पे फीचर्स यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे मिल जाते हैं इस गाड़ी में। टिल्ट मिल जाता है, साथ ही साथ ये जो है टेलीस्कोपिक भी यहाँ पे मिलता है। बड़ी गाड़ी है, टेलीस्कोपिक देना ही चाहिए, तो यहाँ पे टेलीस्कोपिक मिल जाता है। इधर अपना जो है हेडलैम्प के फंक्शन, और इस साइड में अपना वाइपर वाले फंक्शन मिल जाता है। एक बार ऑन करके देखते हैं, तो ऑन देखिए कैसा यहाँ पे क्लस्टर यहाँ पे मिलता है, डिजिटल यहाँ पे मिल जाता है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे लगता है। बीच में बहुत सारे तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है। बाकी ये जो है फोर व्हील ड्राइव है, फ्रंट व्हील ड्राइव जो है, शाफ्ट लॉक वगैरह कितने सारे यहाँ पे फंक्शन है वो सारे यहाँ पे शो करते हैं, और उसको सेट करना है कैसे करना है सब कुछ यहाँ पे दिखाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है अपना जो RPM मीटर और स्पीडोमीटर, ये एनालॉग में यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इस साइड में अगर बढ़ेंगे तो म्यूज़िक सिस्टम देखेंगे ना, बहुत बढ़िया लेआउट के साथ यहाँ पे मिलता है, काफ़ी सुंदर सा यहाँ पे पैटर्न के साथ यहाँ पे मिल जाता है, और 360 डिग्री कैमरा वगैरह सब कुछ आता है। और इसके अलावा जो है बहुत सारे तमाम फंक्शन यहाँ पे मिल जाता है इस म्यूज़िक सिस्टम में। क्वालिटी साउंड की वो भी बहुत बेहतरीन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे डैशबोर्ड देखेंगे, डैशबोर्ड ब्राउन कलर के साथ यहाँ पे मिल रहा है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे मैच कर रहा है इसके गाड़ी के डिज़ाइन के साथ। ये रहा सेंटर स्पीकर, बाकी यहाँ पे डैशबोर्ड देखेंगे तो बहुत बढ़िया यहाँ पे सॉफ्ट टच के साथ यहाँ पे मिल जाता है, स्क्रैच लेस यहाँ पे डैशबोर्ड मिल जाता है। यहाँ पर ये स्टिचिंग की हुई है, देख सकते हैं ये पूरा सॉफ्ट टच है यहाँ पे। और एसी वेंट यहाँ पे देखेंगे, बहुत खूबसूरत यहाँ पे डिज़ाइन के साथ यहाँ पे मिल जाता है एसी वेंट्स। नीचे की तरफ देखेंगे तो ये ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है इस कार में। तो ड्यूल जोन अलग अलग पैसेंजर, मतलब ड्यूल जोन नहीं, थ्री जोन यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि सामने का अलग है, पीछे का तो अलग आता ही आता है। पीछे भी एसी यहाँ पे वेंट मिलता है, वो भी अपने कंट्रोल के हिसाब से। बाकी यहाँ पे देखेंगे ना, ये देखिए भाई, यहाँ पे जो है फीचर्स इसको बोलते हैं, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट तो यहाँ पे नहीं मिलता, 12 वोल्ट मिलता है और यूएसबी पॉइंट मिलता है, बट इसको ढकने के लिए कितना बढ़िया यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर ढेर सारे बटन्स हैं, तो हर एक बटन्स के मैं अभी काम बताता हूँ। तो ये जो बटन्स है ना, ये सीट के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे काम आता है, देख सकते हैं उसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। बाकी इसके अलावा इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक ये हो गया, ये ऑटो होल्ड का ऑप्शन हो गया, देख सकते हैं। बाकी बहुत सारे यहाँ पे ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, ड्राइव मोड्स के अलावा यहाँ पे देख सकते हैं सैंड हो गया, स्नो हो गया, मतलब अलग अलग तरीका, और ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन यहाँ पे यूज़ होता है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हील डिसेंट कंट्रोल, अलग अलग यहाँ पे बहुत सारे जो है लैंड वगैरह जो भी एडास वाले फीचर्स है यहाँ पे उसको एक्सेस कर पाएंगे। बाकी ट्रांसमिशन देखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वाला मिलता है, 8 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव मोड मैनुअल इसको आप यूज़ कर सकते हैं। साइड में भी बटन्स है, और पार्किंग के लिए ऊपर बटन यहाँ पे दिया गया है, साइड वाला जो बटन्स है, साइड वाला जो है गियर शिफ्टिंग के टाइम काम आता है। तो ये था ट्रांसमिशन के बारे में। यहाँ पे देखिए चाबी अभी रखा हुआ था, यहाँ पे कप होल्डर मिल जाता है, दो ग्लास होल्डर भी बोल सकते हैं उसको। बाकी यहाँ पे अलग टेक्सचर के साथ है, साइड में भी देख सकते हैं सॉफ्ट टच यहाँ पे मिलता है। काफ़ी यहाँ पे हर एक जगह पे यहाँ पे प्रीमियमनेस यहाँ पे देने के लिए हर एक जगह पे लेदर फिनिशिंग यहाँ पे यूज़ किया गया है। और ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे डिसेंट सा स्पेस के साथ यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिलता है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। तो ये रहा ग्लव बॉक्स। अब यहाँ पे इसके पैसेंजर सीट की बात करें तो पैसेंजर सीट भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ यहाँ पे मिलता है इस गाड़ी में, तो ये बहुत बढ़िया लगा। और ऊपर की तरफ यहाँ पे देखेंगे IRBM जो ऑटोमेटिक डिमिंग के साथ यहाँ पे आता है, रेन सेंसिंग वाइपर आता है इसमें दोस्तों, और यहाँ पे जो है एडास वाला सेंसर, ये दोनों सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है। इधर अपना जो है मिरर मिल जाता है, वैनिटी मिरर और लाइट के साथ है, और यहाँ पे जो है इस साइड में यहाँ पे भी वैनिटी मिरर मिलता है कुछ इस तरीके से। और ये जो सन वाइज़र जो है, ये फैब्रिक में यहाँ पे फिनिशिंग के साथ मिलता है, जो ऊपर फैब्रिक है सेम फिनिशिंग के साथ मिलता है। ये लाइटें जैसे यहाँ पे मिल जाता है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग के अंदर है, क्रिस्टल इफेक्ट में LED लाइट यहाँ पे मिलता है, क्रोम लाइनिंग यहाँ पे यूज़ किया गया है यहाँ पे लाइटों के चारों ओर, काफ़ी सुंदर यहाँ पे लगता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसके सनरूफ को ओपन करने के लिए अलग अलग यहाँ पे बटन दिया गया है, नीचे वाला जो है उसको हटाना है तो इस तरीके से यहाँ पे बटन से इसको हटा सकते हैं, और ऊपर वाला ग्लास अगर हटाना है तो उसके लिए दूसरा बटन यहाँ पे दिया गया है। होने देते हैं इसको बंद। और यहाँ पे इस साइड में देखेंगे ना, तो यहाँ पे सनग्लासेस होल्डर मिलता है कुछ इस तरीके से,
यहाँ पे जो मिलता है कुछ इस तरीके से सनग्लासेस होल्डर, बाकी जो है हैंडल्स यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रिप हैंडल इस साइड में मिलता है, बट इस साइड में यहाँ पे ग्रिप हैंडल नहीं दिया गया है। और इसके अलावा जो है उधर अपना जो है हैंडल दिया गया है ऊपर की तरफ, लेकिन इस साइड में उसकी जगह पे सनग्लासेस होल्डर दिया गया है। और ये था पूरा डैशबोर्ड के बारे में पूरा। और यहाँ पे जो है एयरबैग की बात करेंगे तो 6 एयरबैग यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं सीटों की तरफ यहाँ पे एयरबैग दिया गया है, तो यहाँ पे एयरबैग यहाँ पे मिल जाता है 6 के 6 लंबे साइड कर्टन के साथ, तो सेफ्टी में काफ़ी बढ़िया ये कार आपको मिल जाता है। अब आपको रियर की सीटें एक बार नज़र डालते हैं, रियर की सीटें कैसी हैं आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे रियर वाला डोर मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पे रियर वाला डोर ओपन करते ही यहाँ पे भी आपको प्रीमियम फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे सेम आपको जो है सॉफ्ट टच के साथ यहाँ पे लेदर फिनिशिंग के साथ मिल जाता है, ब्राउन लेदर देख सकते हैं स्टिचिंग की गई है, और उसके अलावा जो है ऊपर भी यहाँ पे सॉफ्ट टच के साथ है, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग और पावर विंडो वाला बटन, स्पीकर ग्रिल और ये तमाम यहाँ पे स्पेस आ जाता है। तो ये था रियर वाला डोर। अब अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सीटें कुछ इस तरीके से अरेंज की गई है, बीच में थोड़ा स्पेस है, दोनों तरफ यहाँ पे दो सीटें अरेंज की गई है, ये सेकंड रो है। अब अंदर बैठते हैं फिर आपको यहाँ पे अंदर के फीचर्स यहाँ पे दिखाते हैं कि सेकंड रो में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे लेग रूम अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाता है, स्पेस अच्छा है, यहाँ पे सीट बैक पॉकेट भी मिल जाता है दोनों तरफ। और ये रहा इसका एसी वेंट, तो एसी वेंट यहाँ पे देखेंगे तो एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपको टेम्परेचर है उसके हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट के लिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है यूएसबी पॉइंट, और 12 वोल्ट आउटपुट यहाँ पे भी मिलता है। करते हैं इसको बंद, और यहाँ पे जो है इसके जो है सीट देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पे भी एक जगह दिया गया है देख सकते हैं कप होल्डर यहाँ पे रखने के लिए, और यहाँ पे जो है ये अपना ऐसे फोल्ड हो जाता है। इसके अलावा जो है बच्चों की सीट यहाँ पे फिक्स करने के लिए एंकर भी दिए गए हैं, और यहाँ पे जो है हैंडल्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल जाता है, और एसी वेंट यहाँ पे दिया गया है सेकेंड रो के एसी वेंट को ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हो आप। ये हो गया सेकेंड रो की लाइटें, और हैंडल अलग से यहाँ पे भी दिया गया है, और हुक भी है यहाँ पे, और इस तरीके से सेम उस साइड में भी मिल जाता है देख सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड रो की तरफ यहाँ पे, तो मैं यहाँ से बीच में से इधर थर्ड रो में एंट्री कर चुका हूँ, और यहाँ पे थर्ड रो में देखेंगे तो थर्ड रो का स्पेस भी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे मिलता है। मोस्टली जो 7 सीटर 6 सीटर में रियर पैसेंजर जो होते हैं एकदम थर्ड रो में वहाँ पे स्पेस कम होता है, बट यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। सीट बैक पॉकेट भी देखिए दोनों तरफ मिल जाता है, इसके अलावा यहाँ पे हुक्स भी दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ सामान वगैरह यहाँ पे इसको फंसाने के लिए ऐसे जो आता है रबर का यहाँ पे स्ट्रिप वो यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी स्पीकर ग्रिल यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे एक कप होल्डर हो गया देख सकते हैं, और यहाँ पे भी अलग एक टेक्सचर यहाँ पे दिया गया है। इधर 12 बोल्ट के लिए यहाँ पे पॉइंट मिल जाता है, यहाँ पे ये जो चीज़ है ना ये सीट बेल्ट को यहाँ पे फंसाने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये हुक दिया गया है, उधर भी दिया गया है उस सीट बेल्ट को यहाँ पे फंसाने के लिए। बाकी ये तो एयर के लिए यहाँ पे पास आउट के लिए यहाँ पे वेंट है। तो ये था थर्ड रो के बारे में, थर्ड रो में भी एसी वेंट यहाँ पे आ जाता है कुछ इस तरीके से, सेम सेकंड रो की तरह यहाँ पे एडजस्ट होता है दोनों तरफ यहाँ पे मिलता है। और ये रहा थर्ड रो की यहाँ पे लाइट जो कि प्रॉपर एलईडी में मिलता है। तो यहाँ पे चलते बाहर, यहाँ पे अब इसकी बात करेंगे इसके बूट की, तो बूट मैंने अभी बताया नहीं था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेलगेट के साथ यहाँ पे बूट ओपन हो जाता है, बटन से भी ओपन कर सकते हैं और अपने जो है पैर के जेस्चर से भी इसको ओपन कर सकते हैं। देखिए बाकी गाड़ियों के मुकाबले यहाँ पे जो है बूट स्पेस बहुत बढ़िया यहाँ पे मिलता है, कितना 373 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है। लगेज लैंप है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी 12 वोल्ट आउटपुट है कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे भी देखिए हुक दिया गया है, सामान को ऐसे बांधने के लिए यहाँ पे हुक्स दिए गए हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे इसके तो जैक वगैरह टूल किट यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे बॉटल रखने के लिए अलग से एक जगह दिया गया है, और बाकी स्टेप नहीं आपको बता ही दिया था शुरू में, नीचे आता है इसका। और यहाँ पे इसको बंद करने के लिए कुछ नहीं करना है, इस बटन को या ऐसे प्रेस करोगे थोड़ा सा खींच दोगे तब भी ये बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये था इसका बूट। अब इसके इंजन की तरफ चलते हैं, तो इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे ट्विन टर्बो डीजल इंजन आता है। दरअसल इसमें दो इंजन ऑप्शन आता है, एक 2 लीटर का टर्बो इंजन जो डीजल आता है नॉर्मल वाला, एक आता है इसका ट्विन टर्बो डीजल इंजन आता है वही 2 लीटर का। तो यहाँ पे जो है ये ट्विन टर्बो डीजल है 2 लीटर वाला, जिसमें पावर की बात करूँगा ना तो 215 PS का पावर जनरेट करता है, और टॉर्क की बात करेंगे तो लगभग 478 NM का टॉर्क, ज़बरदस्त टॉर्क यहाँ पे इस गाड़ी से मिलता है। तो ये था इंजन। अब बात करेंगे इस भारी भरकम हाथी तेल कितना पीती है।
यहाँ पे जो है इसका माइलेज है ये 12 से 14 kmpl का माइलेज क्लेम होता है, बाकी जो है ड्राइविंग के ऊपर होता है कितना आप माइलेज निकाल सकते हैं। तो कैसी लगी ये गाड़ी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप कौन सा पसंद करोगे, मतलब ग्लोस्टर या फॉर्च्यूनर, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।